वहाँ जो पैसा था खा लिया, खाने के बाद जो मालिक नहीं दिया तो आ गए। खाने पीने के लिए नहीं दे रहा मालिक, क्या करेंगे, आ गए वहाँ से। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूँ गरिमा भारती। लॉकडाउन के दौरान हम आप तक कई सारी तस्वीरें पहुंचा रहे हैं जो काफ़ी विचलित करने वाली होती है। एक ऐसी ही तस्वीर और सामने आई है जहां पर छोटे छोटे बच्चों के साथ पूरा परिवार बहुत दूर से बिहार पैदल आया है। तस्वीरों में देखिए, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो उस परिवार की है जो मालदा में ईंट बनाने का काम करता था। मालदा वेस्ट बंगाल में है। हम आपको बता दें ये परिवार बिहार के भागलपुर के अकबर नगर का रहने वाला है, जिनमें 3 पुरुष 3 महिला और 9 छोटे छोटे बच्चे हैं। आपको बता दें कि ये सभी लोग 12 मई को यानी कि आज से ठीक 6 दिन पहले मालदा से चले थे पैदल। गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है, काफ़ी सारी परेशानियां हो रही है, कोरोना वायरस का जो डर है वो और ज़्यादा बढ़ रहा है, और इसी बीच ये पूरा परिवार 9 छोटे छोटे बच्चों के साथ मालदा से पैदल बिहार आ रहा है। निकला है वेस्ट बंगाल से, पहुंचना है बिहार के भागलपुर में, अकबर नगर जाना है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितने परेशान लग रहे हैं ये सभी बच्चे, इनका पूरा परिवार। ये सभी लोग अपनी दिनचर्या, अपने जीवन को चलाने के लिए मालदा काम करने के लिए गए थे। वहाँ पर वो ईंट बनाने का काम करते थे, ईटा भट्टे में काम करते थे और उसी से अपनी जीवनी चलाते थे। लेकिन लॉकडाउन के वजह से तमाम गतिविधियां जो है, जितनी भी काम है वो बंद हो गए, उसके वजह से इन्हें वापस अपने प्रदेश लौटना पड़ रहा है। कोई चारा नहीं है, खाने को पैसे ख़त्म हो गए हैं, जैसा कि सभी मज़दूरों की परेशानियां आप जानते हैं। इन दिनों श्रमिक जो हैं वो बड़ा मुद्दा बने हुए हैं देश के लिए। उनको वापस अपने अपने राज्यों में पहुँचाना, वापस उनको अच्छी सुविधाएँ देना, खाने पीने की सुविधाएँ मुहैया कराना, ये सरकार के लिए बड़ा चैलेंज बना हुआ है। सरकार दावे भी कर रहे हैं कि हम मजदूरों को, अपने अपने राज्यों के श्रमिकों को वापस लेकर आ रहे हैं, लेकिन ये लोग क्या श्रमिक नहीं है? ये लोग क्या बिहार के नहीं हैं जो इन्हें इन छोटे छोटे बच्चों के साथ इतनी गर्मी में, तपती धूप में पैदल दूसरे राज्य से बिहार आना पड़ रहा है? ज़रा सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं ये लोग। दिक्कत वहाँ जो पैसा था खा लिया, खाने के बाद जो मालिक नहीं दिया तो आ गए। पैदले आ रहे हैं। कहाँ से? मालदा से। कहाँ जाना है? अकबर नगर। क्या नाम? विष्णु कुमार। क्या करते थे वहाँ? हाँ, ईटा बनाते हैं। क्या दिक्कत हुआ? खाने पीने के लिए नहीं दे रहा मालिक, क्या करेंगे, आ गया वहाँ से। कब चले थे वहाँ? वही 4 रोज हो गया है। पैदले चल रहे? हाँ, पैदल ही चल रहे। कहाँ जाना है? अकबर नगर। क्या नाम है? पंकज सांती। तो 3 महिलाएं 3 पुरुष 9 छोटे छोटे बच्चे इस तपती गर्मी और तपती धूप में मालदा से भागलपुर तक चलकर आ रहे हैं। सरकार कह रही है कि हम इंतज़ाम कर रहे हैं श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से श्रमिकों को वापस राज्य लेकर आ रहे हैं, लेकिन शर्तें भी इसमें कई हैं। आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, रजिस्टर कराना होगा, लेकिन उन लोगों का क्या जिनके पास स्मार्ट मोबाइल फ़ोन्स नहीं है, जिन लोगों के पास वैसी सुविधाएँ नहीं हैं कि वो न्यूज़ पढ़ सकें या फिर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस को जान सकें, वैसे ही लोग इस तरह से पैदल आने पर मजबूर हैं। सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों के लिए भी कुछ उपाय करें, किसी तरह का सर्वे करें, ये जाने कि अन्य राज्यों में हमारे राज्य से कितने ज़्यादा मजदूर फंसे हुए हैं, उन्हें सुरक्षित वापस अपने घर लाया जाए और एक अच्छी ज़िंदगी दी जाए। आप लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। वहाँ जो पैसा था खा लिया, खाने के बाद जो मालिक नहीं दिया तो आ गए। खाने पीने के लिए नहीं दे रहा मालिक, क्या करेंगे, आ गए वहाँ से।